ते पण अण्णाने ज्यावेळेस स्क्रिप्ट लिहिलं आणि मला त्याचं वर्णन सांगितलं होतं आणि ही माणसं सगळी आमच्या भूतकाळातली आहेत, म्हणजे अशी पात्र. त्यामुळं हा शोधताना मला म्हणजे अण्णाला खूप फोटो पाठवतो, त्यातून अडचणी तशा येत नव्हत्या, पण अण्णाला एक 4-5 फोटो मी म्हणजे आता ते फिल्ममध्ये आहेत पण त्यातला कुठलाच डॉन वाटला नाही. आणि गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीमध्ये हा एक विग घातलं होतं खूप मोठं असं केसांचं आणि रोनाल्डोची जर्सी आणि बरमुड्यावरती नाचत होता. मग त्याच्या त्या नाचण्यावरून मला वाटलं की हा खूपच म्हणजे तगडा आहे, फिट आहे आणि ज्या कॅरेक्टरनुसार तो हा जाऊ शकतो त्या कॅरेक्टरला. त्यावेळेस माहिती नव्हतं की फुटबॉल खेळतोय. हा आणि फुटबॉल खेळतो. तू खरा खेळतो फुटबॉल? फुटबॉल प्लेअर आहे. म्हणजे कुठं खेळत नाही म्हणून असं असंच भारी खेळतो. त्याची केक ज्या मारलेत त्यानं त्या केक तसं पण अडवणं अवघड आहे, इतक्या जोरात तो केक मारतो. तो पळतो, त्याच्या पेनल्टी किंवा त्याची एक केक आहे त्याने सोलो जाऊन मारतो स्टार्ट 12, ती पण केक इतक्या जोरात जातो बॉल की तुम्ही नाही अडवू शकत. तुम्ही ते रिअल टाईममध्ये जरी बघितलं तरी खूप वेगात तो मारतो आणि त्याच्यात ताकद आहे. त्याच्यात तो पळतो पण जसा एफर्टलेस ज्याला म्हणतो ना रनर आहे, रनरच आहे. पण मी लय जणांना पळताना म्हणजे नाही मला पळणारी माणसं म्हणजे भारी दिसतात तुम्ही कुणी, पण मला तो पळतानाचा आजवर म्हणजे आम्ही तर बच्चन भारी वाटायचे पळताना आणि अंकुश नाही मला म्हणून मी त्याला खूप पळवलंय फिल्ममध्ये. त्याचा जो तो तुम्ही सहज पळतोय पण त्याच्या चेहऱ्यावर वाटत नाही तो पळतोय. तुमचा चेहरा ना तुम्ही पळताना तुमचा सगळे एफर्ट तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतात बऱ्याचदा. म्हणजे आकाश पण त्याच्या मागे पळतोय पण आकाशला एफर्ट घ्यायला लागतात त्यात. पण डॉटला स्लो मोशन मध्ये पळवलंय ह्याचे आपले ऑडिशनचे व्हिडिओ रनिंगचेच पाठवले होते मी त्याला खूप पळवलं होतं. आणि बाबू कुठं सापडला सांगा बाबू, तूच सांग तू कसा सापडला. मैं तो पटरी के किनारे बैठा था. क्या कर रहा था? कुछ नहीं, वो कोयला बेच के रखा था, पैसे थे, हम 3-4 जन थे. दादा की एंट्री हुई, मैं बोला भागो रे अभी पुलिस वाले आए. दादा कैमरा वैमरा लेके उतरा, मैं बोला रुक जाओ बोला ये पुलिस वाले नहीं बोला ये न्यूज वाले. दादा आए फिर वीडियो वीडियो बनाए इधर उधर की, ढूंढ रहे थे शायद किसी को. वो नहीं मालूम था कि पिक्चर विक्चर के लिए ले रहे. तो मैं हल्के में ले लिया पहले इनको. बातचीत किया अच्छी, फिर बोला ये सब क्या है तुम वीडियो वाडियो बना रहे. बोले कॉलेज से आए, बोले अंजुमन कॉलेज से, बोला प्रोजेक्ट है कुछ तो भी, तो उसके लिए आए थे. फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट पे से डांस पे आ गए. बोले तेरे को डांस आता क्या? मैं बोला डांस नहीं आता, 2-3 स्टंट आते, वो मार के दिखा था. हाँ वो मार के दिखा. डांस से फिर डायलॉग पे आ गए. ये डायलॉग देता, बोले तू करके दिखा, करके दिखा. अच्छा लगा. 15 दिन बाद ये आया पटरी पे जुआ. हाँ जुआ खेलते हुए बैठा था मैं. ये आके ढूंढ रहा, मैं ऐसा नीचे बैठा है, ऊपर देख रहा कौन है बाबू. फिर बाद में बोलता कौन है रे बाबू. मैं बोला कौन है रे भाई तू. बोले उठ उठ, मैं जुआ जीत गया था, मेरे को भागने का इच्छा वहाँ से, और वो भागने नहीं दे रहे पूरा खेल. मैं बोला रुक जाइए, अपना भाई आया. मैं बोला इससे बात करके आते हैं. गया तो क्या बोलता, बोले इसको पहचानता है कि फोटो दिखा रहा सर की दादा की. पर पहले से पहचान थी क्या तुम दोनों? नहीं मैं नहीं पहचानता था. मैं बोला हाँ ये इंसान तो आया था, बोला कल मेरा ऑडिशन लेके गया 10-12 दिनों का. फिर मेरे को क्या बोलता, तेरे घर पे गया, तेरी माँ ने गाली दे के भगाई ऐसा. और कोई भी जाता तो मेरे दोस्त लोग मेरी माँ गाली दे के भगाती थी. बोले कुत्ते, बोले मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे, बोले तुम. अब उसको क्या मालूम है अच्छा है और बुरा है. तो मैं बोला वैसा काम है. तो बोले कल अपने को चलना है. मैं इसको ही देख रहा. मैं बोला तू कौन था है फिर? तू कौन है? मैं बोला तू क्या रिश्ते में लगता है कि इनके जो तुम्हें को ढूंढता है? फिर मैं 3-4 दिन इनके साथ में घूमा पूरा गड्ढे गोदाम इधर उधर. मेरे दोस्त लोगों को भी लेके गया था मैं ऑडिशन में. फिर सर से मिला, वहाँ पर भी ऑडिशन दिया, एक नंबर काम. अरे लेकिन ऐसा है कि सीधा अमिताभ बच्चन के सामने ही खड़ा कर दिया तो फिर कैसे लगा? मैं तो उसको ही देख रहा था. बोला ये असली है कि नकली? बोला तो नहीं. मम्मी ने बोला था तुम्हारे की किडनी बेचा, वो क्या? हाँ अरे तो मैं घर पे गया ये इससे मिलने के बाद. बोले कल अपने को चलना है अंदर निवास, ऑडिशन है. मैं बोला हाँ क्या? बोले घर पे जाके बता दे बोले तेरी मम्मी को. मैं गया घर पे, मेरी माँ को मैंने कुछ बोला नहीं ऐसा. मैं बोला पहले पूछता हूँ कि कोई आया था, तूने उसको गाली दी क्या, ऐसा वैसा हो. मेरे को जैसा घर पे घुसा, मेरे को मेरी माँ बोलती क्यों रे तेरे को कोई तो भी पूछने आया था. मैं बोला हाँ रुक तू बैठ, बोला तेरे को बता था. उसको बोला मैंने कि मेरा इसकी माँ कौन है वो पहले बता देता हूँ. डॉन की माँ है फिल्म में एक्चुअली, वो इसकी माँ. तो वो मेरे को बोलती है कि क्या है क्यों आया था वो. मैं बोला कुछ नहीं, वो पिक्चर में मैंने 2-15 दिन पहले ऑडिशन दिया था तो उसका सिलेक्शन हुआ, तो कल मिलने जाना है.
ए बोले ऐसा पिक्चर विक्चर में तेरे को क्या देख के लिए, बोले वाले जाके किडनी बेच देंगे बोले तो क्या करेंगे। अरे मैं बोला इतना मैं बोला चल देखते है, जाके देखता हूँ कल। तो भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मैं बोला सही बात है। तो सर ने बोले पूना चलना रहेगा, पूना चलना पड़ेगा। मैं बोला हाँ वाले जाके किडनी बेचेंगे। मैं बोला सर मेरे दो तीन और दोस्त है उनसे मिल लो। बोला मेरी निकालेंगे इनकी भी निकालेंगे। उनको लेके गया, उनका भी भला हो गया। उनकी माँ बोलती थी मेरे को, जब मेरे दोस्त है तीन दोस्त है, उनकी माँ मेरे को पहले बोलती थी बेटा तू मेरे बच्चों के साथ में मत रहे, तू मेरे बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। अभी वो बोलती है बेटा तू उनको अपने साथ ही रख। लेकिन फिर मम्मी को भी रोल मिल गया तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी तो बहुत खुश थी और उनका भी मैंने ऑडिशन देखा। बहुत हार्ड था, तुम देखो शायद वो दिखाएंगे नहीं। बहुत हार्ड यानी एक ही लड़का हूँ घर का, तो मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती, इसलिए थोड़ा सा बिगड़ भी गया था मैं। पर तुम्ही सैराट बघितला होतात का? हो बघितलं होतं, तीन चार वेळा बघितलं होतं। आणि अंकुश तू सैराट नव्हता बघितला तू? आणि अण्णाला ओळखत होता का तुम्ही? पहचानता था। आणि तू? मायनी पहचान। अच्छा अभी फिल्म रिलीज हुई है, स्पेशली अंकुश आणि प्रियांशु, तो क्या बदलाव आया जिंदगी में? जैसे पब्लिक हमने देखे नहीं थे, यानी कभी पब्लिक के सामने में खड़ा रहता, पब्लिक में खड़ा रहता था, आज पब्लिक मेरे लिए खड़ी वो चीज़ देख के बहुत खुशी होती है। बहुत सारे चीज़ आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, यानी अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे कि भाई बड़ा काम करा, अच्छा है, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके लिए सर के वजह से हुआ जो कुछ हुआ। और प्रियांशु? मैं तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा न्यूज़ के स्टूडियो में बातें कर रहा हूँ। पर तुला काय करायचं होतं आयुष्यात? मेरे को तो डॉन बनने का था। सोडून दिलं ते फिल्म मध्ये म्हटलं तसंच होतं। हां पण आता काय करायचं? अभी अच्छे काम में लगना है। बॉलीवुड मध्ये काम करायचं, ऍक्टिंगच करायची आता। ऍक्टिंग भी करने का है, जो काम मिलेगा लाइट में इधर उधर कॉस्ट्यूम में। अब ऐसा नहीं कि ऍक्टिंग में ही मिलते रहेगा, पक्के रहना है, यही लाइन में रहने का है बस। अंकुश तू तुझं बॅकग्राऊंड काय, तू काय शिकलायस वगैरे? मैं 12th पास हूँ और मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। पुलिस भर्ती के मैंने 7-8 बार पेपर दिया, पर मेरा फिजिकल स्ट्रांग था और जो रिटर्न है ना वो कमज़ोर था। मराठी में को उतनी आदी नहीं थी, तो मैं 7-8 बार फेल हो चुका था रिटर्न में। और आर्मी की भी 2 बार भर्ती दिया, उसमें हाइट में कट गया। मेरा एक एम ही था बचपन से कि मैं पुलिस बनूँ, पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि भूषण सर मिल गए गणपति विसर्जन में। मैं ऐसे ही नाच रहा था, भूषण सर मिल गए तो ऐसे आए और मेरी वीडियो लेने लगे। तो मैं सर वीडियो ने दूर से लिए, पहले जज कर रहे थे दूर से, फिर उसके बाद हमारा जो बैंड बाजा बज रहा था और रुकने के बाद सर पास में आए, बोले हम क्या वीडियो ले सकते हैं? बोला ठीक है। फिर बाद में लेने के बाद वापस वो चले गए, दूर खड़े रह के जज कर रहे थे। तो मैं रुकने के बैंड बाजा रुकने के बाद मैं खुद गया सर के पास, सर मैं क्या जान सकता हूँ कि आप अपने वीडियो क्यों लिए? तो ऐसे ही पूछा कि दम देके पूछा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बहुत सीधा है। अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही पूछा क्योंकि मैं ऐसा 26 जनवरी 15 अगस्त को ऐसा कुछ भी लुक बना के घूमते रहता हूँ। तो मैंने ऐसे सर के पास गया, सर मैं क्या जान सकता हूँ कि आपने मेरी फ़ोटो क्यों ली है? तो सर ने बोले हम एक शॉर्ट फिल्म कर रहे, बोले तो आप ऑडिशन दोगे क्या? बोले मैं बोला ठीक है सर दे दूँगा। तो कल 11 बजे मिलो बोले, तो 11:11 सर का मेरे को फ़ोन आया, मैं रेडी था। सर ने ये भी बोले थे घर पर किसी को नहीं बताना, मैंने किसी को भी नहीं बताया था घर पर। फिर सर बोले जो तो कोई जगह है क्या? मतलब है एक जगह इधर। फिर सर ने कुछ तो भी बोले यानी एक्टिंग करना आता क्या? मतलब पहले क्लियर कर दिया, अपन फिल्म देखते नहीं, अपन को कोई डायलॉग नहीं आती, इतना पढ़ा हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, ना इंग्लिश आती ना कुछ आती, पहले सर को क्लियर कर दिया। पर इतना है कि कुछ बताएंगे तो मैं कर सकता, बोला। तो सर बोले दारू पीने की कर सकता क्या? मैं बोला हाँ वो तो कर सकता है। फिर उसके बाद बोले लड़की छेड़ने की, हाँ वो तो करता ही। फिर उसके बाद बोले तू, मैं एक सिचुएशन दूंगा, बोले तू करेगा क्या? मैं बोला हाउ करूँ? बोले तू क्रिमिनल है। मतलब सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। सर मेरे को बोलते तू क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल नहीं हूँ। तो ऐसा ऐसा कुछ तो भी रखे उन्होंने मेरे सामने, तो ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है देखो कॉलेज में जाना। तो सर के साथ ही मैंने कर लिया, सर की गच्ची उच्ची पकड़ ली। अच्छा ऑडिशन सर पे चढ़ाई कर, तो सर को पसंद आया। फिर सर ने फोटो वोटो लिए, फिर सर को भेजे। तो मेरे को तभी भी नहीं पता था कि सर सैराट टीम से करके। फिर बाद में सब होने के बाद मेरे को
दादा ने बताया कि बोले हम ऐसे ऐसे टीम से, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, पर मैंने सर को देखा था, सर को झिंगाट सॉन्ग में देखा था, पर दादा को नहीं देखा था ना। फिर उसके बाद मैंने घर जाके बहुत बार वीडियो देखा, और मेरे को ये भी बोले थे कि घर पे बताना नहीं कि देखा। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हम लोग आमदार निवास में गए थे, वहाँ बोले चार पांच लड़कों को लेके आना, मेरे को लेके गए, पर वहाँ पे लेके गए मेरे को वापस भेज दिया, हो गया बोले तेरा काम है ना ऑडिशन में, चार पांच लड़कों को लेके आना बोले, इन लोग इन सबको बाबू को लेके गया और मेरे को वापस भेज दिया। सगड़ा तू क्यों गया? और मेरे को वापस भेज दे, तेरा एड्रेस नहीं था ना, ये मिलती नहीं थी तू इसको जाकर। मैं इन लोगों को ढूंढता था, जवाबदारी क्योंकि ये अकेला ही मतलब जो बंदा है जो ठीक ठाक है, वो कहाँ आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे पता नहीं है। फिल्म में जैसा अपना कैरेक्टर अभी तो ठीक है, नशा पानी का उससे पूरा विरुद्ध हूँ मैं, पूरा अलग है ना, एक भी शौक नहीं करता मैं, तो फिल्म में करा सर की वजह से एक्टिंग किया। लेकिन तुम्हें वापस भेज दिया तो आगे? वापस भेज दे तेरा काम हो गया बोले, मैं चले गया घर। उसके बाद कुछ नहीं, मैं घर पे फिर आया दो तीन दिन के बाद फोन, फिर सर से मिलने गए, एक होटल में बुलाए थे सर ने, बोले घर पे किसी को बताना नहीं, बोले मैं घर पे किसी को बताया भी नहीं था, तो मेरे को डर भी था कि बुला तो रहे अकेले, बोले घर पे किसी को नहीं बताना, और मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था। मैं गया होटल में, पहले एक रूम में बिठाए मेरे को, तो फोटो दिखा रहे एक रूम, सर थे वो रूम में पर मेरे को पता नहीं था, एक रूम में बिठाए, लैपटॉप दिए, इसको पहचानता गया, इसको पहचानता गया, सब पलटा दिया इसको, फिर एकदम से एक दो पहचान के दिख गए मेरे को, बोला इसको तो ये स्कूल में था बोला एक लड़का, तो इसको पहचानता बोला। फिर थोड़ी देर के बाद सर के रूम में सर जाते, वहाँ लेके मैं सर को देख के आश्चर्यचकित हो गया, बोला क्या मेरे मुँह से है, कैसा सब दिन ही नहीं करते, इतने बड़े सर बैठे और मैं क्या बोलूँ, कि सर से थोड़ा सा बातचीत हुई, सर ने बोला ऐसा ऐसा, फिर हो गया। फिर एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।